हेलो हेलो, फील जल्द से जल्द सजा दे और बैट्समैन थोड़ा सहयोग करे। और इसी बीच मुकाबला शुरू होता हुआ शिवशाही 11 और जैगवार 11 के बीच में। लेट्स स्टार्ट। और शायद कल की जो इनिंग थी राजू भाई की, उसका प्रेशर पांडे पे बनता हुआ जिसकी वजह से रुक गए। और अभ्यास करते हुए पांडे जी और ये देखिए, पांडे जी ने जहां से छोड़ा था वहीं से शुरुआत किया। काफी अच्छी गेंदबाजी रही है अभी तक उनकी, और उनकी खेमे में बड़े बड़े नाम सागर दरबार, केवराज, स्पेशली किशन सिंह। और ये देखिए, सीधा हाथ में मार बैठे पांडे। और यहां पर हेमराज राठौड़ अपनी टीम के स्तंभ बन के कर खड़े हुए थे पिच पे। 14 बॉल में 4 रन बचा 4 रन बनाए थे, लेकिन अपनी टीम को जीत दिला के गए थे वो। शिवशाही टीम से निवेदन है कि अपना 12th मैन यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में भेजे जल्द से जल्द। और हमारे साथ ऋषिकेश जुड़ेंगे थोड़ी ही देर में। अच्छा, कैच लपका है अभी तक। और ये देखिए, क्रीज पे बड़ा नाम मनीष महाराज। डाल दी। और मयूर दरबार की तो क्या बात करें, पूरे इंडिया में हर जगह खेलते हैं एक ऑलराउंडर। अपनी टीम के लिए ऑलराउंडर की भूमिका में खेलते हैं। अभी तक मैन ऑफ द सीरीज की रेस में दूसरे दूसरे पायदान पे है। और ऋषिकेश ने जो कैच पकड़ा, हम उनकी बात करेंगे आज, चाहे तो हम उनसे भी बात कर सकते हैं। और यहां पर विराज आते हुए, वेलकम विराज, एनसीएल कमेटी आपका हार्दिक स्वागत करती है।
और ये देखिए क्या गेंद कर रहे हैं पांडे जी। लास्ट 3-4 मैच से देखा जा रहा है पांडे जी काफी किफायती गेंद कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, अच्छे साबित हो रहे हैं गेंदकार के रूप में। शायद पहले मैच में तो गेंदबाजी भी नहीं की थी उन्होंने। और ये देखिए स्पाइडरमैन भी रोक नहीं पाए इस गेंद को। और वहीं सामने मयूर दरबार सामना करेंगे आइकॉन वर्सेस आइकॉन। और आते ही बहुत अच्छा शॉट लगा दिया। और काफी किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं सागर दरबार और सामने मयूर दरबार, एक जाने माने ऑलराउंडर दोनों ही। पाँव से गेंद अटकाई, हाथ से नहीं अटकी तो पाँव से अटका ली। काफी अच्छी फील्डिंग करते हुए हितेश। उठा के मार दिया। और आज आप मनीष महाराज को देख सकते हैं काफी स्फूर्तिले, 2 रन कंप्लीट किए। जवानी के याद दिन याद आते होंगे आज महाराज को, इतने फास्ट रनिंग कर रहे हैं। काफी अच्छी रनिंग दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। और ये देखिए दो ओवर की समाप्ति पे। दो ओवर की समाप्ति पे स्कोर 21 एक विकेट के नुकसान पे। दो ओवर की समाप्ति 21 रन एक विकेट के रूप में राजू भाई जो
जो पहले ही ओवर में लंबा हिट लगाने के रूप में आउट हुए। और इसी बीच अगली ओवर का भार संभालेंगे जाने माने आइकॉन खिलाड़ी रह चुके किशन सिंह, और आज तक अपनी टीम के लिए उन्होंने बखूबी काम किया है। आज देखते हैं कि अपनी टीम के लिए क्या कर गुजरते हैं। हमेशा अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं अपनी टीम के लिए, और कामयाब भी बहुत बार हुए वो। व्हाइट गेंद का इशारा अंपायर का। और ये जरूर आइकॉन का प्रेशर कहा जाएगा जो दो गेंदों डाली और दोनों ही व्हाइट के रूप में। काफी अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी अभी तक। और इसी बीच महाराज स्ट्राइक पे। और ये देखिए हल्की सी मिस फील्ड और 4 रन के रूप में। बाजी कर रहे हैं अभी तक अपने टीम के लिए। और ये देखिए किशन सिंह के द्वारा मनीष महाराज को आउट करते हुए। और काफी अच्छी गेंदबाजी अभी तक किशन सिंह के द्वारा, बल्लेबाजों को बांध के रखा है। और ये देखिए किशन सिंह आज अपनी टीम के लिए जो कप्तान ने जो उनको गेंदबाजी का भार संभालने के लिए दिया था वही किया है अपनी टीम के लिए। और आउट।
किशन सिंह इस टूर्नामेंट में अपनी टीम के लिए जो जो जिम्मेदारी दी गई थी वो बखूबी निभाते हुए और अगली गेंदबाजी का भार संभालेंगे कलाम। और अगली ओवर का भार लेंगे कलाम खान जो अपनी टीम के लिए क्या करते हैं देखते हैं। और काफी अच्छी गेंदबाजी रही अभी तक जैगवार 11 की, जैगवार किंग्स 11 की। और सामने किरण, और नो गेंद, किरण बैठ गए। अगर वो गेंद को मारते तो उसका भी फायदा उठा सकते थे, शायद हेलमेट नहीं पहना था जिसकी वजह से वो बैठ गए। और फ्री हिट का फायदा उठाते क्या है वो देखते हैं। और ये देखिए वाइड गेंद, फ्री हिट अभी भी जारी किरण के लिए, फ्री हिट का फायदा उठाने के लिए अभी भी उनके पास मौका है। और ये देखिए गेंद को डॉट करवाते हुए फ्री हिट का कुछ फायदा नहीं उठा सके। हेलो हेलो, हमारे मालिक पिंटू भाई का हार्दिक स्वागत है। चार ओवर की समाप्ति पे स्कोर 36 रन 3 विकेट के नुकसान पे।
बहुत ही बढ़िया शॉट मितेश द्वारा चार रन के लिए। किशन सिंह क्रीज पर आते हुए सामना करेंगे किशन सिंह का। किशन सिंह अपनी फील्ड सजाते हुए सम्मान देते हुए कार्तिक मांगेला। चार विकेट गिर चुकी है, थोड़ा प्रेशर में है। और आम अगेन, बहुत बड़ा झटका हो सकता है। और इतना बड़ा कैच, बहुत ही बड़ा विकेट था। और एक और विकेट किरण के रूप में कार्तिक मांगेला का ड्रॉप हो रही है, कैच पकड़ा गया। चार विकेट चटका चुके हैं किशन सिंह। अगली ओवर का भार संभालेंगे सागर। ओवर पिच गेंद, मिड विकेट की ओर हेमराज राठौर, उसके नीचे एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा कार्तिक मांगेला को। किरण का स्थान लेने आए नेहल। कार्तिक मांगेला स्ट्राइक पे, सामना करेंगे सागर दरबार का।
और कार्तिक मांगेला सो। और गेंद थी, छोड़ दिया, छक्का आ चुका तो छोड़ दिया, बहुत ही बड़ा कैलकुलेशन। और एक और, वही एक और छक्का कार्तिक मांगेला द्वारा। हेलो, शॉर्ट गेंद, एक और बार डिफेंड। छह ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 56 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। अगली ओवर का भार संभालेंगे ऋषिकेश। बहुत ही अच्छी गेंद, खेल लिया कवर के हाथों में, हेमराज राठौड़ उसके नीचे, उतनी अच्छी फील्डिंग वहां। और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया गेंद, ब्लॉक होल में गेंद, बाकी का काम केवराज ने, कीपर ने पूरा किया। किशन सिंह अभी तक के स्टार। एक और बढ़िया गेंद, एक और डॉट गेंद, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग ऋषिकेश द्वारा। राइट आर्म फास्ट बॉलर, प्रयागराज एक्सप्रेस।
और हवा में गेंद और आसान सा कैच। और नेहल भाई का स्थान ले है मेरे मित्र संदीप बाबरिया। नो बॉल, अंपायर का इशारा नो बॉल। और सोने पे सुहागा कार्तिक मांगेला स्ट्राइक पे, ऋषिकेश का सामना करेंगे फ्री हिट पे। और देखिए ये शॉट, देखिए गगनचुंबी शॉट 6 रन के लिए डीजे। और बहुत ही बढ़िया वापसी, बहुत ही बढ़िया वापसी। ब्लॉक होल में गेंद, 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 64 रन 6 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले, पावर प्ले में डालेंगे योगेंद्र पांडे, सामना करेंगे संदीप। फुल टॉस गेंद, खेल दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए संदीप। और बहुत ही बढ़िया शॉट लॉन्ग ऑफ के दिशा में सागर उसके नीचे। बहुत ही बड़ी अपील लेकिन अंपायर ने नकारा। कार्तिक मांगेला हल्की सी शॉट गेंद स्क्वायर के ऊपर से मारना चाहते थे लेकिन पूरी तरह चूके। पांडे जी का अच्छा कमबैक छक्का खाने के बाद।
फुल टॉस गेंद हवा में गेंद और एक और ड्रॉप। तीन आदमी घूम रहे थे, बीच में गिरा, इतना बड़ा झटका हो सकता था, लेकिन कार्तिक भी नाश्ते में दही खा के आए हैं। फुल टॉस गेंद मार चुके थे हवा में, और संदीप बाबरिया घुमाना चाहते थे लेकिन चूके। फुल टॉस गेंद 6 रन के लिए स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और छक्का संदीप द्वारा, बहुत ही अगली ओवर का भार संभालेंगे ऋषिकेश, सामना करेंगे कार्तिक। और बहुत ही बड़ा झटका, क्लीन बॉल कार्तिक मांगेला। सामना करेंगे ऋषिकेश का, बहुत ही बढ़िया शॉट लॉन्ग ऑन की ओर कलाम के पास 1 रन के लिए। अभी सामना करेंगे संदीप, एक और बार कलम पास गेंद 1 रन के लिए, इसी रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 80 रन। बहुत ही बढ़िया शॉट कवर के और आदि उसके नीचे, लो फुल टॉस गेंद खेल दिया स्क्वायर लेग की ओर, हेमराज राठौड़ उसके नीचे, देवास दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन संदीप ने मना किया।
और बहुत ही अच्छा शॉट, बहुत ही अच्छा शॉट, लेकिन थोड़ा कच्चा लगा। और संदीप, बहुत ही बढ़िया शॉट संदीप द्वारा, एक और छक्का कलाम खान को। बहुत ही अच्छे फॉर्म में है संदीप। और हवा में गेंद, किशन सिंह उसके नीचे। आज तो किशन कोई गलती नहीं करेंगे, उनका दिन चल रहा है। अनिकेत अगर चौका या छक्का लगाते हैं तो कर्तव्य सुपर किंग्स के मालिक पुष्पराज सोलंकी द्वारा 500 रुपये का नगद पुरस्कार। अनिकेत चौका छक्का, पुष्पराज की तरफ से 500 रुपया। नो बॉल और चौका, 5 रन, नो बॉल। फ्री हिट गेंद, दीपू की, पुष्पराज सोलंकी, क्या दीपू में कोई इनाम है? अनिकेत के लिए जीनाम जारी, अगर चौका या छक्का लगा तो कर्तव्य सुपर किंग्स का मालिक पुष्पराज सोलंकी की ओर से 500 रुपया इनाम है हर चौके छक्के पे। और बॉलिंग का भार संभालना है उसके परम मित्र दीपू। फुल टॉस गेंद, 1 रन के लिए। कल्पेश पाटिल सामना करेंगे दीपू सोलंकी का।
दूसरा बॉल। नौ बॉल, हाइट का नौ बॉल। ऋषिकेश कुछ समझाते हुए दीपू को। घुमाना चाहते थे लेकिन चूके। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी दीपू द्वारा। घुमाना चाहते थे मिड विकेट की ओर, कलाम खान उसके नीचे। बहुत ही क्विक थ्रो एक रन के लिए। अनिकेत के लिए इनाम जारी है पुष्पराज सोलंकी की ओर से। स्टंपिंग का चांस था लेकिन चूके। इनिंग की समाप्ति, स्कोर है 96-97 रन जीतने के लिए डीजे।
पास जबरदस्त बल्लेबाजी किशन, आक्रामक बल्लेबाजी में जाने जाते हैं और अपने मंसूबे उन्होंने साफ कर दिए हैं कि बेहतरीन बल्लेबाजी स्टार्ट उन्होंने बहुत ही अच्छी की है। नौ गेंद थी, बहुत ही जबरदस्त इंपायरिंग कही जाएगी इंपायर सर मनीष महाराज, अगले गेट डालने के लिए तैयार। किशन बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, एक सिक्सर से उन्होंने खाता खोला है। बहुत अच्छी गेंद थी, जर्क में डाली हुई गेंद, मात्र एक रन ही मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन ओपनिंग बॉलिंग कर रहे हैं मनीष महाराज, स्कोर पहुंचा है 8 रन, पहला ओवर विकेट पर है और अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। किशन बेहतरीन प्रारंभिक जोड़ी मैदान के अंदर है। मनीष महाराज अगली गेंद डालने के लिए तैयार। बहुत जोरदार हिट करना चाहते थे, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं हुआ, बाकी का पूरा काम विकेट कीपर मयूर दरबार कप्तान है, बहुत ही जबरदस्त कप्तानी। एज लगा था, कई ड्रॉप होता हुआ मयूर दरबार कप्तान स्वयं। बहुत अच्छी गेंद थी, डॉट गेंद मनीष महाराज की, बहुत ही अच्छी वापसी कहना होगा। अगली गेंद डालने के लिए तैयार हैं, अपने रन अप पर जाते हुए पवेलियन वाले छोर से आक्रमण की शुरुआत की है। बहुत ही अच्छा रनिंग द विकेट क्रीज के अंदर, बहुत ही अच्छा तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच और एक रन से खाता खुलता हुआ। केवराज का एक रन से खाता खुलता हुआ। किशन के बल्ले से मात्र एक ही रन मिलेगा, सिंगल, और एक ओवर के बाद स्कोर है 9 रन। बहुत अच्छी शुरुआत, अच्छी गेंदबाजी मनीष महाराज की। नौ रन, एक ओवर के साथ में स्कोर 10 रन। बॉलर मयूर दरबार
मयूर दरबार अगली गेट डालने के लिए तैयार हैं। उनके सामने है केवराज। बहुत ही अच्छा, एक रन चुराना चाहते थे लेकिन बेहतरीन फील्डिंग कही जाएगी। 11 रन पर रुका हुआ स्कोर दूसरा ओवर प्रगत पर है। अच्छा कैमबैक मैं कहूंगा मयूर दरबार, अगली गेंद डालने के लिए तैयार। बहुत ही बेहतरीन शिक्षार। बहुत ही अच्छा कैच, रन आदित्य आए हैं और एक रन से उनका खाता खुलता हुआ। अच्छी गेंदबाजी मयूर दरबार, कप्तान स्वयं बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने की है। दो ओवर के बाद स्कोर है 18 रन। अच्छी गेंदबाजी अभी तक देखने को मिली है। एक महत्वपूर्ण विकेट मिला है मयूर दरबार का, बहुत ही खूबसूरत केवराज के रूप में। ओपनिंग जोड़ी टूट चुकी है। वन डाउन बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं आदित्य, लेफ्ट हैंड बैटर हैं। मनीष महाराज टीम के लिए तीसरा ओवर, अपना व्यक्तिगत दूसरा ओवर। ओम साई 11 और नौ फलिया रॉकर्स के दोनों ही कैप्टन से निवेदन है कि टॉस के लिए तैयार रहे। किशन स्टार्ट पर 19 रन स्कोर। मनीष महाराज अगली गेंद डालने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छी गेंद थी, पेसर के सौदागर हैं मनीष महाराज। और आदित्य के लिए सुनहरा मौका, हर सिक्सर पर 500 रुपए उनके पिताजी देंगे अशोक।
के रूप में। दूसरा झटका, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी मनीष महाराज की, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। मैंने पहले से कहा था कि पेसर के सौदागर हैं, बहुत तेज गेंद करते हैं। 165 किलोमीटर की गेंद, आराम से खेले, बड़े छक्का नहीं चलेगा ना, एकदम रुके थे एक दो आधा घंटा, लाइव चल रहा है ना, सब जगह देख रहा हूँ। ऋषिकेश आए हैं, बहुत ही अच्छी शुरुआत शिवशाही 11 को मिलती हुई, अच्छी स्थिति पर है अभी तक। और मनीष महाराज बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, धार की गेंदबाजी की है, लाइन लेंथ पर गेंद उन्होंने की है। डॉट गेंद, बहुत ही सुंदर गेंद कही जाएगी, कोई मौका नहीं बल्लेबाज को, खेलना चाहते थे पॉइंट गली के स्थान पर, लेकिन बैट और बॉल का कोई संगम नहीं हुआ, बाकी का पूरा काम विकेट कीपर मयूर दरबार, स्वयं कप्तान है दम गिलकिस्ट जैसे विकेट कीपरिंग करते हैं। बहुत अच्छी गेंद थी, बहुत तेज गेंद, जबरदस्त गेंद इस समय मनीष महाराज। तीसरा ओवर टीम का प्रगति पर है, उनका व्यक्तिगत दूसरा ओवर, अभी तक उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की है, बहुत ही बड़ा विकेट उनको मिला है। उन्नीस रन पर रुका स्कोर, बहुत अच्छी फील्डिंग स्थान पर, मात्र एक रन, इस एक रन से टीम का स्कोर 20 रन। तीन ओवर के बाद दो खिलाड़ी पवेलियन पर पहुंच चुके हैं। नितेश आए हैं चौथा ओवर, और इसी बीच बड़ा झटका, ₹2,500 का नगद पुरस्कार देंगे अगर शिवशाही 11 टॉप टू में दूसरे पायदान पे अपना स्थान अच्छे रन रेट से ग्रहण करती है, तो शिवशाही 11 के लिए वीरेन दरबार मल्ला की तरफ से ₹2,100 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। उमेश भाई के लिए खास इनाम की घोषणा की गई है वीरेन दरबार मल्ला की ओर से। Shh.
शिवशाही 11 का आज बहुत बड़ा दिन कहा जाएगा। महाशिवरात्रि है, आज देखते हैं वो क्या करते हैं। अभी तक बेहतरीन टूर्नामेंट में जगह बना के रखी है शिवशाही 11। नितेश अंगली गेंद डालने के लिए तैयार। बहुत अच्छी गेंद थी, ब्लॉक होल में गेंद डालते हुए। नितेश बहुत ही लंबा रन अप उनका, अंगली गेंद डालने के लिए तैयार हैं। और बहुत ही अच्छा थ्रो, डायरेक्ट थ्रो था लेकिन सुरक्षित। दोनों बल्लेबाज, कोई खतरा नहीं, कोई नुकसान नहीं। चौथा ओवर प्रगति पर है, स्कोर है 23 रन। तीन खिलाड़ी पवेलियन पर। पांच बॉल पर 7 रन पर बल्लेबाजी कर रहे ऋषिकेश। अगले गेंद डालने के लिए तैयार हैं। लगातार फील्ड को सजाते हुए मयूर दरबार, बहुत ही बेहतरीन कप्तानी इस समय मैदान के अंदर अभी तक रही है उनकी। फील्डर को लगातार तब्दील करते रहते हैं, उसका पूरी तरह से फायदा मिलता है। नितेश बहुत ही लंबा रन अप और कमेंट्री बॉक्स पर शिक्षा, बहुत ही बेहतरीन शिक्षा। नो गेम थी। एक रन लेना चाहते थे ऋषिकेश लेकिन कलाम खान ने मना किया। दोनों बल्लेबाज इस समय जोड़ी पनपती हुई उनकी, अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत है दोनों बल्लेबाजों को, क्योंकि बोर्ड में लगे हैं मात्र 34 रन, 34 रन। सेवन का टारगेट है।
स्वयं कप्तान अपने आप पर भरोसा जताया है। उनके सामने है कलाम खान, बहुत ही हिटर बल्लेबाज है, विस्फोटक पारी में जाने जाते हैं कलाम खान। फील्ड को सजाते हुए स्पिन गेंदबाजी करते हैं मयूर दरबार, धीमी गति की गेंदबाजी। और दिशा देना चाहते थे लेकिन बहुत ही मजबूत कड़ी पर वहां लगी है। मनीष महाराज को गेंद पार करना बहुत बड़ी बात होगी, दीवार है और वो चट्टान को पार करना बहुत मुश्किल होगा। बहुत अच्छी फील्डिंग, नो गेंद, एम्पायर सर का इशारा नो, बहुत ही अच्छी एम्पायरिंग अभी तक पूरे टूर्नामेंट में रही है। और दोनों एम्पायर सर का जबरदस्त निर्णय अभी तक रहा है, कोई गलती अभी तक पूरे टूर्नामेंट में नहीं हुई। और पूरी तरह से दो खिलाड़ी गेंद को फील्ड कर रहे थे, आखिरकार तीन रन अपने टीम के लिए बचाए और टीम का स्कोर हुआ है 37 रन। लॉस ऑफ 3 विकेट, अगली गेंद डालने के लिए तैयार है मयूर दरबार। बहुत ही जोरदार हिट करना चाहते थे, पॉइंट पर खेला हुआ शॉट वहां पर खिलाड़ी, और ये दूसरा रन चुरा लिया, बहुत ही अच्छी रनिंग द विकेट। स्कोर है 39 रन, 39 रन, बहुत ही अच्छी फील्डिंग कही जाएगी, दो रन अपने टीम के लिए बचाए। बाउंड्री जा सकती थी लेकिन उन्होंने अच्छी फील्डिंग दिखाई। फिर से गली के स्थान पर वहां पर एक खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करते दौड़कर दोनों बल्लेबाज के पास, मौका था मात्र एक रन का और एक रन के जरिए स्कोर जाता हुआ 40 रन। पांचवा ओवर पे गेंद पर है, अच्छी गेंदबाजी अभी तक मयूर दरबार की रही है और पूरी तरह से नपी तोली गेंदबाजी गेंदबाजी। मात्र एक रन, एक रन से काफी खुश होंगे मयूर दरबार, वो जानते हैं कि मात्र बाउंड्री नहीं लगना चाहिए, एक रन और दो रन से मायने नहीं रखता ज्यादा, क्योंकि 97 का लक्ष्य है। पांचवा ओवर प्रगति पर है, थोड़ा सा मिसफील्डिंग मनीष महाराज, काफी दूर थी उनसे, उनके पाले से, और एक रन, पांच ओवर के बाद स्कोर है 42 रन, 42 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। बहुत अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी शिवसाई 11 की रही है, उतनी ही अच्छी फील्डिंग।
और क्लीन बोल्ड, बहुत ही खूबसूरत कल्पेश पाटिल। मयूर दरबार कितनी जबरदस्त कप्तानी, कल्पेश पाटिल को लाए हैं छठवां ओवर और बहुत ही खूबसूरत पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड, बहुत बड़ा विकेट। और सागर दरबार के लिए बड़ा इनाम, हैट्रिक सिक्स पे ₹1,000 का नगद पुरस्कार। दर्शक दीर्घ में सिक्सर सागर। ₹1,000 नगद पुरस्कार मिलेगा। बहुत ही बड़े खिलाड़ी है सागर दरबार, 10 गेंदों में उन्होंने 50 जड़ी थी। सागर दरबार और दूसरा छक्का के बल्ले से निकलता हुआ अगेन सिक्सर। सागर दरबार अपनी जेब में ₹1,000 करेंगे हैट्रिक सिक्स पे। गेंद दे दे, गेंद दे दे। सभी प्रेक्षक से निवेदन है कृपया करके गेंद दे दे सभी प्रेक्षक से। प्रेक्षक लोगों से निवेदन है कि गेंद दे दे।
रिकॉर्ड, बहुत बड़ा रिकॉर्ड खड़ा किया है। 10 गेंदों में 50 रन की पारी खेली थी उन्होंने। बहुत बड़ा अपने आप में तजुर्बा, बहुत ही बड़े खिलाड़ी, डग आउट, बेहतरीन गेंदबाजी, कल्पेश पाटिल जिन्होंने की बेहतरीन, बहुत ही बड़ा विकेट उनको मिला है। और आज वही करने में शायद पवेलियन लौट चुके हैं सागर दरबार, 1000 रुपए के चक्कर में आउट होते हुए। और आगे की कमेंट्री का बार संभाल लेंगे हमारे साथी। एक बार फिर से कल्पेश पाटिल अगले गेट डालने के लिए तैयार। बहुत अच्छी गेंद थी, जोरदार हिट करना चाहते थे, बैट और बॉल का कोई संगम नहीं, बाकी का पूरा काम मयूर दरबार, विकेट से बिल्कुल चिपके। एक कदम बल्लेबाज का निकलेगा तो निश्चित तौर पर स्टंपिंग हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग करते हुए आउट योगेंद्र पांडे। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, बड़े बड़े विकेट उनको झोली में उनके जाती हुई, बेहतरीन गेंदबाजी कही जाएगी। शिवशाही 11 इस समय मजबूत कड़ी पर है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है और उतनी अच्छी फील्डिंग, कोई फील्डर अभी तक कोई गलती नहीं की। रन स्कोर जा पहुंचा है 6 ओवर के बाद। मयूर दरबार बहुत ही बेहतरीन कप्तानी इस समय मैदान के अंदर, जितने तारीफ की जाए उतनी कम, और उनके ऑनर काफी खुश होंगे जिस तरह से उन्होंने अभी तक पूरे बॉलरों को अपने जहां जरूरत पड़ी है वैसे ही बॉलर लगाया है, जैसे बॉलर जरूरत थी उनको। और बैटिंग पावर प्ले, एम्पायर सर का फैसला आता हुआ। हेमराज आए हैं, योगेंद्र पांडे का स्थान लेने के लिए स्ट्राइक पर रहेंगे ऋषिकेश, मितेश पवेलियन वाले छोर से। और कितनी अच्छी फील्डिंग कही जाएगी, निश्चित तौर पर पूरे के पूरे 4 रन बचाए, बहुत अच्छी फील्डिंग कही जाएगी। लॉन्ग रन पर लगे खिलाड़ी, कोई गलती नहीं उनसे, पैरों से आखिरकार उन्होंने गेंद को रोकी, बाउंड्री नहीं जाने दिया, जबरदस्त फील्डिंग कही जाएगी। और इस तरह में बॉलर काफी खुश होता है। नितेश अगली गेंद डालने के लिए तैयार है, पेसर के सौदागर हैं, बहुत तेज गेंदबाजी करते हैं। उनके सामने है हेमराज, अच्छी गेंद थी, मात्र 1 रन, इस 1 रन से टीम का स्कोर हुआ है 57 रन, लॉस ऑफ 6 विकेट, 7वां ओवर प्लेट पर है टीम का।
वाइड गेंद थी और सीमा रेखा के बाहर गेंद, चार रन, तो इसका मतलब पांच रन। तोहफे के रूप में देते हुए मिस फील्डिंग कही जाएगी। स्कोर हुआ 63 रन। अगली गेंद डालने के लिए तैयार। बहुत अच्छा शॉट कहा जाएगा, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग अभी तक रही है। पूरे फील्डर अपने बालों को साथ दिया है, अभी तक कोई फील्डर कोई गलती नहीं किया। मात्र जो तोहफे के रूप में गया था थर्ड बाउंड्री की तरफ चार रन के लिए, मात्र एक ही मिस फील्डिंग कही जाएगी। बहुत अच्छी गेंद थी, डॉट गेंद, और हमारे बीच नौफरी और रॉकर्स के कप्तान ऋषि राज कैप्टन प्रवेश कर लिए मैदान के अंदर। सीमा रेखा के बाहर चार रन और दो मिनट। स्टार्ट कर सकते हैं अभी। थैंक यू सर। नौफलिया रॉकर्स के कप्तान और ओमसा इलेवन के कप्तान जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स के पास आए। कार्तिक मंगेल आए हैं ओमसा इलेवन के कप्तान और नौफलिया रॉकर्स के कप्तान। टॉस के लिए आ जाए। टीम की तरफ से आठवां ओवर लेकर आए हैं कार्तिक। बहुत ही जोरदार हिट करना चाहते थे, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं हुआ। वाइड गेंद, इस अतिरिक्त रन की बढ़ोतरी होती हुई स्कोर हुआ है 70 रन। आठवां ओवर प्रगति पर है। बहुत अच्छी गेंद थी। कार्तिक अंगली गेंद डालने के लिए तैयार हैं। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज हैं
और मैंने पहले से बताया था कि बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं मयूर। और क्या खूबसूरत गेंद थी, जर्ग में डाली हुई गेंद, बल्लेबाज को कुछ भी नहीं समझ में आया, बल्ला कहीं और गेंद और कहीं, जबरदस्त गेंदबाजी इस समय कार्तिक द्वारा, और उतनी अच्छी जरूरत है ऋषिकेश को विस्फोटक पारी की, रनों की सख्त जरूरत है उनकी टीम को। और ये लगातार डेट गेंद, जबरदस्त बॉलिंग कही जाएगी, आठवां ओवर विकेट पर है और बोर्ड में लगे हैं मात्र 70 रन, 6 खिलाड़ी दग आउट पहुंच चुके हैं। बहुत ही अहम मुकाबला चलता हुआ दोनों के बीच, और बहुत ही खूबसूरत विकेट कीपरिंग, लगातार बिल्कुल विकेट से चिपके हुए मात्र 1 फुट ही दूर है, जबरदस्त विकेट कीपरिंग मयूर दरबार, स्वयं कप्तान है, जबरदस्त इस समय कप्तानी करते हुए ओम साई इलेवन की, यानी सॉरी शिव साई इलेवन की तरफ से। एक ही रन मिलेगा और इस एक रन से टीम का स्कोर हुआ 71 रन। बहुत ही अच्छी अभी तक गेंदबाजी और फील्डिंग रही है शिवशाही इलेवन की, और हेमराज ऋषि केश मैदान के अंदर है, रनों की सख्त जरूरत है, 12 गेंदों में मात्र 26 रन की जरूरत है, देखते हैं दोनों बल्लेबाज क्या करते हैं। मयूर आए हैं टीम का 9वां ओवर लेकर, सॉरी कल्पेश पाटिल आए हैं, कल्पेश पाटिल बहुत अच्छी गेंदबाजी पवेलियन वाले छोर से कल्पेश पाटिल को लाया गया है, पहली गेंद जोरदार गेंद, अच्छी गेंद कही जाएगी, बल्लेबाज पूरी तरह से चूके, ऋषिकेश को पूरी तरह से मैं कहूंगा गेंद पूरी तरह से फुटबॉल नजर आ रही है, रनों की सख्त जरूरत है उनकी टीम को। और थोड़ा चकमा खा गए थे फील्डर, थोड़ा सा चकमा खा गए थे इस वजह से, वन शॉट रन है, इसका मतलब मात्र एक ही रन मिलेगा ऋषिकेश को, किस्मत भी उनके खिलाफ है। ऋषिकेश और बहुत ही जोरदार हिट करना चाहते थे लेकिन उतनी अच्छी विकेट कीपरिंग, मयूर दरबार पर विकेट से चिपके हुए काफी जबरदस्त उत्साह वर्धन करते हैं पूरे खिलाड़ी कल्पेश पाटिल का, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। फील्ड को लगा बहुत ही अच्छा, और बहुत जोरदार अपील थी रन आउट की, लेकिन सुरक्षित दोनों बल्लेबाज क्रीज के अंदर, अच्छी रनिंग द विकेट दोनों के बीच।
9 ओवर विकेट पर है। 8 गेंदों में 24 रनों की जरूरत है। अब यहां से निश्चित तौर पर टॉप गियर लगाना होगा बल्लेबाजों को। मैच को यदि अगर जीतना है तो, और क्या जबरदस्त गेंदबाज पेसर के सौदागर हैं कपिल कल्पेश पाटिल। पवेलियन वाले छोर से जबरदस्त गेंदबाजी इस समय कल्पेश पाटिल की रही है। अभी तक बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं, कोई चांस नहीं दे रहे। बहुत ही लंबा शॉट। इसका मतलब 3 सिक्सर मारने होंगे। मयूरपट दरबार देखते हैं किसको लाते हैं। 6 गेंदों में 18 रनों की जरूरत। बहुत ही अहम चुनौती भरा मैच, बहुत ही रोमांचकारी मैच, खचा खच दर्शकों से भरा। कार्तिक आए हैं, पारी का अंतिम ओवर उनको सौंपा गया है। देखते क्या करते हैं, उनके कंधों पर जिम्मेदारी दी गई है। मयूर दरबार जिन्होंने की बहुत ही बड़ा नाम है, उतनी अच्छी बल्लेबाजी और बॉलिंग, फील्डिंग, कीपरिंग जो सब में कहा जाएगा तो बहुत ही जबरदस्त। अपना पूरा पूरा 100% में 100% झोंकते हैं। और आउट ऋषिकेश ने ढक, और थोड़ी सी देरी, लेकिन शिव साई के ओनर की तरफ से हर डॉट गेंद पे 500 रुपए का नगद पुरस्कार। शिव साई 11 की तरफ से हर एक डॉट गेंद पे 500 रुपए का नगद पुरस्कार। कार्तिक के लिए बहुत ही बड़ी अहम चुनौती, हर गेंद डॉट डालने पर 500 रुपए नगद पुरस्कार। ये कर सकते हैं क्योंकि क्षमता बहुत ही बड़ी है, बहुत तेज गेंद करते हैं। रावलपिंडी एक्सप्रेस जिसको कहा जा सकता है। पारी का अंतिम ओवर और पूरी तरह से शिवशाही 11 मजबूत कड़ी पर है इस समय। 79 रन बोर्ड में लगे हैं। और कितनी जबरदस्त फील्डिंग, राजू भाई की जितनी तारीफ की जाए पूरे पूरे अपने टीम के लिए 3 रन बचाए। मयूर स्वयं उनको धन्यवाद देने के लिए, थैंक यू करने के लिए स्वयं आए हैं। अगली गेंद डालने के लिए तैयार है कार्तिक। बहुत ही समय खलखली, पूरी तरह से मैदान के अंदर मस्ती हुई। हेमराज के
कल्पेश चौहान, हेमराज हर सिक्सर पर अल्पेश चौहान की तरफ से